विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर बी आर ए लॉ कॉलेज नारा रोड नागपुर में चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। पर्यावरण की समस्या इस समय पूरी दुनिया में विकराल रूप धारण करती चली जा रही है और ऐसे में पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित इस ऑनलाइन ऑफलाइन चर्चा सत्र में देश के विभिन्न हिस्से से मान्यवरों ने सहभागिता दी, जिसमें गांधी विद्यापीठ गुजरात के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर दुबे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक गणपति यादव, मुंबई से प्राचार्य डॉक्टर एस बी जाधव, डॉक्टर कमलेश शिंदे अतिरिक्त आयुक्त फूड एंड ड्रग्स, नई दिल्ली से डॉक्टर प्रभाकर, एमएसबी के पूर्व आयुक्त बलवंत डोंगरे, कृषि अधिकारी डॉक्टर फुलझेले, रजिस्ट्रार डॉक्टर मड़के, राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल हिरेखन ने ऑनलाइन सहभागिता दी तो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स आर आर प्रसाद, डॉक्टर फुलझेले पूर्व संचालक इग्नू नई दिल्ली, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, बी आर ए लॉ कॉलेज के संचालक डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, सीआरपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद जीव ने, वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर दुपारे, भारतीय बौद्ध महासभा के शंकर राव ढेंगरे, धम्म रैली के संचालक इंजीनियर पी एस खोबरागड़े, पूर्व नगर सेवक गौतम पाटिल, मेडिटेशन एंड मोटिवेशनल गुरु प्राजागरो आदि प्रत्यक्ष रूप से इस चर्चा सत्र में सहभागी हुए। आज चूंकि द एंग रिवॉल्यूशन पैंथर और इंदुताई शिक्षण संस्था के संचालक संस्थापक डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर और संचालिका प्रोफेसर विद्याताई फुलेकर इनके मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मान्यवरों ने उनका सत्कार किया और उनके स्वस्थ जीवन के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर कॉलेज का टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, क्षेत्र के आमंत्रित अतिथिगण तथा संस्था के हित चिंतकों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। आज पूरे विश्व में जहाँ से 200 कंट्री के पास में ये जागतिक पर्यावरण दिन है और इस जागतिक पर्यावरण दिन की उपलब्धि पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ता है और मैं पर्यावरण को मेडिटेशन से भी जोड़ता हूँ और भगवान बुद्ध के पंचशील, अष्टांग मार्ग और दसवें हिस्सा से भी जोड़ता हूँ। ये आज तक ये बातें सुनने में किसी को अटपटा लगेगा, लेकिन इस दुनिया का सबसे प्रदूषण नष्ट करने वाला पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले एक महान साइंटिस्ट जिसने धूप में 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एक पीपल का पेड़ के नीचे अलाइटमेंट प्राप्त किया। दोस्तों, आज इस पूरे विश्व में 1973 में स्वीडन ने पर्यावरण दिन का उपयोग किया था। मुझे इस बात का गर्व लगता है कि हमारे भाई साहब, मेरे से बड़े भाई डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, ये पर्यावरण में इंडिया के फर्स्ट पीएचडी है और वर्ल्ड में पूरे पर्यावरण के बारे में उनके कई किताबें हैं। और इस बात का भी गर्व है, इस नागपुर नगरी में एक तरफ संघ की नगरी, एक तरफ धम्म की नगरी, इस नगरी में 2005 में देशपांडे सभागृह में हम लोगों ने 2000 से भी ज़्यादा पब्लिक के साथ में, विश्व के 250 भंते लोगों के साथ में पर्यावरण दिन मनाए और वो दिन नागपुर की जनता के लिए पहला पर्यावरण दिन था। इस बात का भी हमें आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, तीन प्रकार के प्रदूषण होते हैं। एक, आज हमारे देश की पॉपुलेशन 1 अब्ज और 35 कोटी 60 लाख के ऊपर है, ये 1 जनवरी की जनगणना के ऊपर। सबसे बड़ा चाइना की जनता है, चाइना की 1 से 41 कोटी 50 लाख के ऊपर है। तो पहला नंबर आता है चाइना का, दूसरा आता है भारत का, तीसरा आता है अमेरिका का और चौथा आता है इंडोनेशिया का और पांचवा पाकिस्तान का। पॉपुलेशन ये कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। फिर हमने पॉपुलेशन के लिए क्या करना चाहिए? हम पॉपुलेशन के लिए मेरे ख्याल से हमने दूसरे प्लेनेट की योजना करना चाहिए। हमने पॉपुलेशन के लिए बहुत सारी बातें मेडिकल साइंस का भी उपयोग करना चाहिए। और इस तरह से आज इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के उद्घाटक खासदार एक्स मधुकर राव जी कुकड़े और यहाँ की वंदना, जी बुद्ध की वंदना के साथ में डॉक्टर भदंत राहुल मोदी, इनके साथ में होने जा रही है। ये लोग आए हैं
और तैयार है और यहाँ इस कार्यक्रम में खास करके उन विद्वान लोगों को बुलाया गया है। डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर के जरिए से हमने विश्व के माने हुए हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर रामाशंकर दुबे, द वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात गांधीनगर, जो मोदी जी के खास सुनने से, पीएम के सुनने से वो इस विद्यापीठ में और राष्ट्रपति के जरिए से ये विद्यापीठ के वाइस चांसलर है, वो ठीक 3 बजे खास उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इस कार्यक्रम में पद्मश्री एक महान साइंटिस्ट डॉक्टर गणपति दादा साहेब यादव, इनके भी विचार है, वो भी कई बार 3 बार वाइस चांसलर रहे और दुनिया में फेमस है। इस कार्यक्रम में IRS राजेश रंजन प्रसाद, जो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के है, और इस कार्यक्रम में जो थीम के लिए बातें करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर। तो दोस्तों ये 3 बजे से 5 का कार्यक्रम है, 12 से 3 बजे का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में पर्यावरण के बारे में बहुत सारी बातें ये महान लोग उसी सब्जेक्ट पर बातें करेंगे, ये कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, इसका फायदा होना चाहिए। आज जापान की पॉपुलेशन भी कम है और जापान में प्रदूषण बहुत कम है, इसलिए जापान के लोग 150 साल तक जी रहे हैं। 100 उम्र के जापान में 50,000 लोग ज़्यादा है। मैं जापान में गया, मैं रशिया में गया, मैं बहुत सारी कंट्री देखा जो प्रदूषण हमारे देश में है। हमारे देश में मंदिरों में प्रदूषण, हमारे साउंड पोल्यूशन, हमारे हर धर्म के आवाज़ इतने ज़ोर से शादियाँ लगाते हैं तो ऐसा कर्कश आवाज़, तो ये साउंड पोल्यूशन से मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, तो इसको हमको सुधारना है। हमारे नागपुर की नाग नदी, एक ज़माने में सम्राट अशोक की नाग लोगों की नदी थी, उसका भी पोल्यूशन के बारे में हमको सोचना है। हमारे को गडकरी मिले, अच्छे अच्छे लोग मिले, ये अच्छे काम कर रहे हैं, इस बात की भी खुशी है। प्यारे दोस्तों, प्रदूषण का पॉइंट 73 में किया गया, 72 में स्वीडन ने, और अभी इन दुनिया में एक ही अर्थ है, जो पृथ्वी है वो एक ही है। आदमी कहीं भी जन्म किया तो वो काला गोला हो सकता है, त्रिपुरुष हो सकता है, लेकिन उसके शरीर की रचना पूरी एक है। जानवर सिर्फ, हम प्रदूषण जानवर के तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कुंते प्लेनेट, आज हम जो तोड़ रहे झाड़, ये बहुत बड़ी बुरी बात है। आज हमारे संस्था ने ये कार्यक्रम में बी पॉजिटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस साल 2022 में 2022 पेड़ लगाने की बातें की है। आज हम बोरवेल बना के हर जगह प्लांटेशन करने की बातें कर रहे हैं और इस तरह से इस कार्यक्रम का रूप हम अलग तरह से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 12 बजे से स्टार्ट होकर हम इस कार्यक्रम का 2 बजे इसका मिडल प्रयोग करेंगे और फिर सरुचि भोजन और बाद में 3 से 5 और एक मनोरंजन का कार्यक्रम 5 से 6 बजे तक के हम करेंगे। शब्दों में आप जो भारत में त्यौहार मनाते हैं लोग, इको फ्रेंडली फेस्टिवल ऐसा नारा लगाते हैं लोग, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। अब फेस्टिवल तो है, लेकिन अगर साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फेस्टिवल से नुकसान क्या हो रहा है? गंगा नदी में हम हमारे तालाब में गणपति दुर्गा देवी कलर भरे हुए प्रदूषण से हम डालते हैं, उसका परिणाम वाटर पर होता है, हमारे शरीर पर होता है। नाग नदी का भी परिणाम हमारे नोज पोल्यूशन पर होता है। पोल्यूशन बहुत प्रकार के हैं, 3 बड़े पोल्यूशन है। तो ये एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है, इतने ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर लगाना और इतने ज़ोर ज़ोर से साउंड, 4 बजे कोई, अगर कोई धर्म के लोग हो तो 4 बजे साउंड लगाते हैं, गणपति दुर्गा देवी के त्यौहार हो, कई VR के त्यौहार हो, 14 अप्रैल हो, सभी के देखो, ये फंक्शन का साउंड पोल्यूशन पर इफेक्ट होता है और साउंड पोल्यूशन का इफेक्ट ब्रेन पर होता है। दोस्तों, मेडिटेशन के साथ पर्यावरण जोड़ना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे अवसर हैं, एक तो ये कॉलेज परिसर में हम लोग मिले हैं और बाबा साहब का जो कॉलेज है, लॉ कॉलेज, फुलेकर जी चला रहे हैं इसको, इनकी शादी की वर्षगांठ भी है, इसके लिए फुलेकर जी को बहुत बहुत मुबारक और हमारी शुभकामनाएं। इतने सालों का आपका मैरिड लाइफ और आगे इससे बड़ा मैरिड लाइफ आपका चलता रहे,
ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन। दोस्तों 5 जून एक ऐसा दिन है, अब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में भी मानसून का ब्रेक होने का टाइम शायद 5 जून होता है। आज भी देखें जब मैं आ रहा था धूप कम हो गया, बदली छाई हुई है, शायद शाम तक बारिश भी होगी, ये 5 जून ही है। और आज से करीब 50 साल पहले यानी 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहाँ पर युवाओं के तरफ से एक मीटिंग कन्वेंशन हुआ था, समिट बुलाई गई थी स्टॉकहोम में, जिसको स्टॉकहोम कन्वेंशन कहते हैं। ये पर्यावरण के ऊपर ही था और 1974 में पहली बार फर्स्ट कन्वेंशन हुआ, फर्स्ट डे जो मनाया गया एनवायरनमेंट डे के ऊपर में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, ये 5 जून 1974 को मनाया गया। और 5 जून वैसे और भी कामों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में 5 जून को ही डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। खैर वो पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन 5 जून कहीं ना कहीं हर तरह से लोगों को उत्प्रेरित करती है कि आगे बढ़े, कुछ नया करें। अब दोस्तों देखिए ऐसा है कि जब इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है एनवायरमेंट का, पर्यावरण दिवस का, आज के दिन में देखिए हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड का क्या है, रफली 7.9 बिलियन आज के दिन में, और 2100 उसके पहले चलते 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगा पॉपुलेशन वर्ल्ड का, और 2100 में 10.87 यानी कि 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा 2100 में। और वर्ल्ड का ये माना जाता है कि अगर 2050 तक ये सारे हम लोग जीवित रहे और बच्चे पैदा होते रहे, पॉपुलेशन बढ़ती रही, तो 2050 में खाना खाने के लिए भी आधे लोगों को कम से कम नसीब नहीं होगा। कम से कम ऐसा है कि 30% तो निश्चित रूप से इसके द्वारा एडवर्सली इफेक्ट होंगे। तो आज के दिन में पर्यावरण के दिन में ऐसा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ही जरूरी है पूरे पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री इससे ज़्यादा जूझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई लिखाई शिक्षा थोड़ी कम है और कहीं है भी तो उसका लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता, आप मान के चलिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो 50 साल अगर आने वाले जीवित हैं, 60 साल 70 साल 80 साल, शायद उनके उस बुढ़ापे में खाने पीने का भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर 80 साल जी लेते हैं और 2021 में 2100 में, तो उनके पास क्या साधन रहेगा, कुछ नहीं। और देखिए अभी हर जगह वेस्टेज जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज है, ई वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज है, पूरे वर्ल्ड में करीब अर्थ रिसोर्सेज का जितने हैं, मिनरल्स हो या और भी मटेरियल्स हो, करीब 90 बिलियन टन हर वक्त यूज हो रहा है पूरे साल में, ये साल हो रहा है, जिसमें से अर्थ रिसोर्सेज का करीब करीब हम लोग 70% ओवर यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग कम कर सकते हैं। अब जैसे पंखा चल रहा है, जब जरूरी पंखा चलेगा, एसी चल रहा है जब एसी जरूरी चलेगा, क्योंकि इसमें से रेडिएशन होती है। प्लास्टिक का यूज जो है, यूज तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज हो रहा है। ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि प्लास्टिक रिसाइकिल हो और उसको जब खत्म हो जाता हो तो डंप करे, जमीन के अंदर दबा दिया जाए, तो उससे क्योंकि ये पानी पानी में जब जाता है और समुद्र तक जाता है तो समुद्री जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता है और इन्वायरमेंट को बेसिकली डिग्रेड करता है। तो इससे प्लास्टिक यूज कम करना चाहिए, बिल्कुल ना होना चाहिए। और अब देखिए अर्थ का जो इतना रिसोर्सेज है, 2.12 बिलियन टन्स जो है हम लोग का वेस्ट कर रहे हैं, 90 बिलियन टन्स तो यूज हो रही है, 70% उस पर ओवर यूज हो रहा है, जो कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। 2.12 बिलियन टन्स उसमें हम लोग वेस्ट हो रहा है पूरा, और उसमें से ई वेस्टेज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज जो है, जो अलग आप टीवी का देख लें, फ्रिज का देख लें, कंप्यूटर का देख लें, रेडिएशन का देख लें, वो करीब 50 मिलियन टन्स उसका वेस्ट हो रहा है। और ये सारे कहाँ जा रही है, या तो वातावरण में जा रहा है, हवा को प्रदूषित कर रहा है, या जमीन को कर रहा है, या फिर पानी में कर रहा है।
हर तरह से पानी में भी अगर हो रहा है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमें ही अफेक्ट कर रहा है। हमें नहीं कर रहा है, आज हमारे बच्चों को करेगा, बच्चों को नहीं करेगा उनके बच्चों को करेगा। इसलिए ये पर्यावरण पे निश्चित रूप से हम लोग को थोड़ा सजग रहना है, और अगर नहीं रहते इसी तरह ये चलती रही तो 2050 में ऐसा अनुमान है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ेगी। यानी अगर आज इस वक्त 45 डिग्री है तो 2050 में इस वक्त 46 होगी। इसके बाद क्या होगा, जो हिमालय है जितने भी ग्लेशियर्स हैं समुद्र में नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे, वो सारे पिघलेंगे, और जब पिघलेंगे तो समुद्र का पानी बढ़ेगा, समुद्र का सतह उठेगा। जब उठेगा तो जितने जो कोस्टल एरियाज हैं जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी है, तीन तरफ से हम हिंदुस्तान में समुद्र से घिरे हुए हैं, ये सारी कोस्टल एरियाज है, केरल है, बॉम्बे के कुछ एरियाज हो सकते हैं, उड़ीसा के हो सकते हैं, तमिलनाडु को हो सकते हैं, आंध्रा के हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल को हो सकते हैं, बांग्लादेश से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कोस्टल एरियाज उनको फेस कर रही है। वहाँ पर जब पानी का सतह उठेगा नेचुरली बाढ़ आएगा। अब कुछ समय पहले देखिए केरल में भी थोड़ी बारिश हुई, बाढ़ की स्थिति हो गई। ये ऐसा नहीं कि बाढ़ अचानक आ गई, बिकॉज लेवल बढ़ रहा है समुद्र का, और जब ये लेवल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से पानी ऊपर उठेगा और वो कहीं ना कहीं फिर हमें अफेक्ट कर रहा है, समुद्र तट पे जो रह रहे उनको अफेक्ट कर रहा है। अब ऐसे में किया क्या जा सकता है, निश्चित रूप से प्लास्टिक का यूज कम हो, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जूट का है जैसे या और भी चीज़ है कॉटन का है, उसका यूज अगर बढ़ता है तो अपने को डिग्रेडेशन में कमी आती है। प्लास्टिक का भी यूज अगर कहीं हो रहा है तो ऐसा बने प्लास्टिक के जो थैले हैं या जो भी है कि वो रिन्यू कर सके, एक बार यूज करके हम लोग फेंक देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, कूड़े में डालने वाले के बाद वो फिर वो कहीं कूड़ेदान में चला जाता है, वहां से उठ कर कहीं और जाता है और अल्टीमेटली कहीं डंप होता है। अगर वो जमीन के अंदर डंप हो गया तो ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर है तो फिर क्या होगा, उड़ेगा और फिर वो कचरा बढ़ेगा और आपके नालियों में ड्रेनेज में उसको चोक करता है। तो इसलिए प्लास्टिक का यूज़ कम हो, उससे कम से कम हो। जितने हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसका इस तरह से यूज हो कि मिनिमम यूज हो, जहाँ यूज करना है वहीं करें, नहीं करना है बिजली की जरूरत है तो बिजली बंद करें, पंखे की जरूरत है बंद करें, एसी की जरूरत है बंद करें, और इस तरह से हम लोग वातावरण को एनवायरमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। और बल्कि वातावरण को अगर हम स्वच्छ रखते हैं, इस पर अपनी कुछ भी योगदान करते हैं तो ये हमें नहीं हमारे बच्चे और उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। और अगर हम इससे पीछे हट जाते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, तो आने वाला टाइम में ये हमारे बच्चों के लिए उनके बच्चों के लिए अभिशाप होगा, उनको खाना मिलना मुश्किल होगा, पानी की अगर समस्या हो जाएगी, जमीन की समस्या होगी, जमीन तो एक ही है प्लानेट में, एक ही जमीन है यहाँ पर जहाँ हम लोग रहते हैं, वरना आसमान में देखे तो करोड़ों अरबों तारे हैं, हर जगह पर इंसान नहीं रहता। इंसान का रहने के लिए एक ही जगह है, वह है धरती, एक ही अर्थ है, ओनली वन अर्थ। तो इसको हमें सेव करना है। सेव कैसे करना है, अभी एनर्जी की बहुत सारी चीजें हैं, तो कोल से एनर्जी बन रही है। अब आप कुरानी में देखो कोल से एनर्जी बनती है, टेम्परेचर तो बढ़ता है, जमशेदपुर में कोल है, थर्मल पावर है, टेम्परेचर तो वहाँ आसपास में बढ़ता है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन कोई उपाय नहीं। लेकिन इसकी जगह अगर हम लोग अल्टरनेटिव एनर्जी की व्यवस्था होती है जिसमें हम लोग को ना केवल हम बल्कि समाज को, समाज के जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, सरकार है, सारे लोग इस व्यवस्था पर चले कि रिन्यूएबल एनर्जी हो, जैसे सोलर है, हाइड्रो पावर है, टाइडल एनर्जी होता है, उसके बाद जो जमीन में जो प्लांट्स वगैरह हैं उसके सड़ने से उससे भी एनर्जी पैदा होती है, जियो थर्मल, वो इन सारी एनर्जी को क्या इसका कोई ज़्यादा नुकसान पर्यावरण पे नहीं होता, तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का भी इस्तेमाल हो, इस पर हम लोग को सोचना चाहिए। एक इंडिविजुअल नहीं, ये पूरे देश नहीं, पूरे समाज, मानव समाज का ही धर्म है कि हम लोग एनर्जी को इस तरह से बनाएं, आगे बढ़ाएं कि ये हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन कम से कम करें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जितना हम लोग इसमें ध्यान देंगे उतना ही अच्छा भविष्य के लिए होगा।